शिलाई में गरीब किसानों पर तूफान से खूब कहर बरस रहा है। पहाड़ी क्षेत्र के किसानों का कहना है कि आंधी तूफान के साथ हुई बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। इन दिनों क्षेत्र के किसानों ने गेहूं तैयार हो चुकी है। तेज तूफान और बारिश से किसानों को चिंता का विषय बना हुआ है। किसानों के पूरे साल की मेहनत मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रही है। किसान गेहूं की फसल से अपना गुजर बसर करते हैं। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष लगभग क्षेत्र में गेहूं की फसल सही नहीं हो पाई थी, पर इस बार समय समय पर बारिश मिलने से गेहूं की फसल अच्छी नजर आ रही थी। बीती रात के तूफान से गेहूं नीचे झुकती हुई नजर आ रही है, जिससे खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। गडकरी ने शिमला में कहा कि अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है, ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। चीन ने भी इसका समर्थन किया है, सभी बड़े देशों ने इसका समर्थन किया है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। गडकरी ने कहा कि दुनिया भर में सबसे बढ़िया तकनीक वाली कंपनियों के साथ प्रदेश में एक बड़ा वेंचर शुरू किया जा सकता है, जिससे प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बदल सकती है। बेबकोश कंपनी के साथ हिमाचल सरकार बेबकोश कंपनी के साथ इस दिशा में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़िया बनाने के लिए मिलकर प्रयास करेगी। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। स्काई बस जैसी सेवा शुरू की जा सकती है, जिससे एक साथ 200 से ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं। प्रदेश में 3 बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, जिसमें लखवार का काम प्रगति पर है। किशाऊ में जल्द काम शुरू किया जाएगा, जिससे 700 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। सड़कों को बनाने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। 7 सुरंगें बनाई जाएंगी और 59 NH की DPR बनाने का काम प्रगति पर है। भारत सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए लंदन के मॉडल को देखा जा रहा है, जिसको पर्यावरण मित्र माना जाता है। इस दिशा में हिमाचल में इस पर काम किया जाना है, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल में पानी और उतरने वाले विमान उतारने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आज करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर जनसभा को संबोधित किया, लेकिन मीडिया में ये बताया गया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अब चीड़ की पत्तियों के जरिए बायोडीजल तैयार किया जा सकता है, जो पर्यावरण मित्र होने के साथ साथ स्थानीय लोगों की आर्थिक उन्नति का आधार बनेगा। मसूद अजहर के मामले में जिस तरह से चीन का रुख था, ये मोदी जी और सुषमा जी के प्रयासों का नतीजा है। आतंकी का कोई मजहब नहीं होता, दुनिया के लोग अब ये बात समझ गए हैं। इसी का नतीजा है कि इसमें भारत को सफलता मिली है। सोलन पुलिस शपथ ले चुकी है कि सोलन में नशे के काले सौदागरों को वे सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही रहेगी, और यही वजह है कि आए दिन वे नशे का काला कारोबार करने वालों पर अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। एक सप्ताह के भीतर ही करीब चिट्टे अफीम और चर्च के 7 तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। पुलिस ने आज भी एक ऐसे ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि अफीम के डोडों की तस्करी करता था। ASP शिव कुमार ने बताया कि पुलिस लगातार नशा तस्करों पर नजर रखे हुए है, और जागरूक लोगों के सहयोग की वजह से वह नशा तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर रही है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति योगेश, जो कि शगला ओखला घाट में अपने घर से नशे का काला कारोबार करता है, तो पुलिस ने सूचना के आधार पर गाँव में उसके घर पर रेड की और वहाँ पर एक बोरी से करीब 9 किलो 700 ग्राम डोडे बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने योगेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।